हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th। एक्सरसाइज है हमारे पास 12.2। 12.2 में हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, आज हम उसका यूज़ करेंगे। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अब फर्स्ट में क्या है, 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1, ये दो पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1² प्लस y2 - y1² प्लस z2 - z1 और पूरे का स्केयर, और पूरे का क्या लगा देंगे, स्केयर रूट। अब x2 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 z1, x2 आ जाएगा, y2 और ये z2। तो इसको हम क्या करेंगे, x2 - x1, 4 - 2 का स्केयर प्लस 3 - 3 का स्केयर प्लस 1 - 5 का स्केयर, 4 - 2 2 का स्केयर 4 प्लस 3 - 3 0, 0 का स्केयर भी 0 प्लस 1 - 5 -4 - 4 का स्केयर 16। तो ये इज इक्वल टू क्या है, 16 + 4 = 20। तो क्या आ जाएगा, √20। फिर 20 को हमने ब्रेक कर दिया 4 × 5 में, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्केयर, तो इसको हम बाहर लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा √5। इसी तरह सेकंड है -3, 7, 2 एंड 2, 4, -1। दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1² x2 हमारे पास क्या है, 2, x1 हमारे पास है -3, 2 - -3 -, प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 का स्केयर प्लस 4 - 7 का स्केयर प्लस -1 - 2 का स्केयर और पूरे का रूट। 2 + 3 5, 5 का स्केयर 25 आ जाएगा प्लस 4 - 7 -3 - 3 का स्केयर 9, -1 - 2 - 3 - 3 का स्केयर 9। अब क्या आएगा, 9 + 9 18, 18 + 25 कर देंगे क्या आएगा, √43। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, -1, 3 - 4 एंड 1 - 3 - 4। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1² प्लस y2 - y1² प्लस z2 - z1² x2 हमारे पास 1 है, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 का स्केयर प्लस -3 - 3 का स्केयर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 4 का स्केयर, 1 प्लस 1 2, 2 का स्केयर 4 प्लस -3 - 3 -6 का स्केयर प्लस 4 प्लस 4 8 का स्केयर, 4 प्लस -6 का स्केयर 36 प्लस 8 का स्केयर 64। तीनों को प्लस कर देंगे क्या आएगा, 104। 104 को हमने ब्रेक कर लिया 4 × 26। अब 4 को तो हम किसका रूट लिख सकते हैं, 2 का, तो क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√26। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, 2 - 1 = 3, 2 - 1 = 3 एंड -2, 1 और 3। ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 - 2 का स्केयर प्लस 1 - - प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का स्केयर प्लस 3 - 3 का स्केयर, 3 - 3 0 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्केयर 4 और -2 - 2 - 4 -4 का स्केयर 16, 16 + 4 कितना आ जाएगा, √20। 20 को हम 4 × 5 लिख देंगे, 4 किसका होता है, 2 का, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2√5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब हमें ये दे रखा है कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती थी, अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं देन हम क्या करते थे कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनका सम थर्ड के इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोल देंगे, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। देखो कैसे, लेट ए, जो पॉइंट्स दे रखे थे उनको हमने नाम दे दिया ए, बी एंड सी। लेट ए -2, 3, 5 एंड बी 1, 2, 3 एंड सी 7, 0, -1। अब डिस्टेंस निकालेंगे सभी के अलग अलग, ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 - -2 - 1 का स्केयर प्लस 3 - 2 - 3 का स्केयर और 5 - 3 का स्केयर, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, क्योंकि आना वही है स्केयर होने के बाद। -2 - 1 क्या आएगा, -3 - 3 का स्केयर प्लस 9 आ जाएगा, 2 - 3 - 1 आ जाएगा, -1 का स्केयर 1, 3 - 5 -2 - 2 का स्केयर 4, 9 + 1 = 10, 10 + 4 √14। नेक्स्ट है बी सी, बी सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 - 1 का स्केयर प्लस 0 - 2 का स्केयर प्लस -1 - 3 का स्केयर,
सेवन में सेवन जाएगा, सिक्स सिक्स का स्क्वायर 36 है, जीरो माइनस टू का स्क्वायर 4, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर का स्क्वायर 16। अब 36 36 प्लस 4 40, 40 और 16 56 हो जाएगा। 56 को हमने ब्रेक कर लिया 4 मल्टीप्लाई 14। अब 4 को तो हम क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर है तो इसलिए 2 को हम बाहर 4 को हम बाहर लेके आएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रूट 14। थर्ड है AC। AC के लिए हमारे पास क्या किया, 7 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। अब 81 प्लस 9 प्लस 36 तीनों को प्लस कर दें क्या आएगा, 126। 126 को हमने ब्रेक कर लिया 14 मल्टीप्लाई 9 में, 9 को बाहर लेके आएंगे 3 हो जाएगा, 3 रूट 14। अब देखो AB, अगर हम AB प्लस BC कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, AC के, क्यों AB रूट 14 है और ये 2 रूट 14 है, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आया, 3 रूट 14 जो कि हमारे पास AC है। अगर दो का सम थर्ड के इक्वल है तो क्या बोल देंगे, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 07 माइनस 10, 16 माइनस 6 एंड 49 माइनस 6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपको ये दे रखा है वर्टिसेस हैं ये किसके, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। इसके लिए हमें इनके डिस्टेंस निकालनी होगी, डिस्टेंस निकालेंगे, लेट ABC हमारे पास पॉइंट्स हो गए। अब AB के डिस्टेंस निकाल लेंगे, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और 10 में से माइनस कर देंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17 और 1 18, ये आया रूट 18। BC इज इक्वल टू, BC करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 3 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, तो क्या आ जाएगा रूट 18। थर्ड है हमारे पास AC, AC अगर हम करेंगे तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 10 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 7 2 2 का स्क्वायर 4, और 10 में से 6 जाएगा 4 4 का स्क्वायर 16, सबको प्लस कर देंगे 36 36 किसका होता है 6 का। बट हमें क्या प्रूव करना था कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए कि नहीं भी दो के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या आया, AB और BC दोनों सेम है तो क्या बोल देंगे, सो AB इज इक्वल टू BC, देन ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, 07 10, माइनस 1 6 6 एंड माइनस 4 9 एंड 6 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो वर्टिसेस हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो पिज़िटी थ्योरम एप्लीकेबल होगी। पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक, अगर राइट एंगल प्रूव करनी है तो ये बना लिया हमने, ABC आ जाएगा हमारे पास, इसमें ABC ये आ गया, AB के बीच के और BC के सभी के बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। अब हमारे पास सबसे पहले AB है, AB हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 और 0 है, माइनस 1 और 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और 6 में 7 जाएगा 1, वो भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, और इसमें से करेंगे 4 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 रूट 18 आ जाएगा। 18 को हमने क्या लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई 2 9 किसका होता है 3 का, तो क्या आ जाएगा 3 रूट 2। इसी तरह से जब हम BC निकाल लेंगे वो भी रूट 18 आ जाएगा, वो भी 3 रूट 2, और जब AC निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 4 में से कर देंगे माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 7 जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 प्लस 4 36 आ जाएगा, और 36 का रूट है वो क्या आ जाएगा 6। अब हम प्रूव कर देंगे कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AB हमारे पास 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसका स्क्वायर कर देंगे 18, इसका भी 18 इज इक्वल टू 36, 18 प्लस 18 36, ये भी किसके इक्वल आ गया 36 के। जब हमारे पास हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का सम, सो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल।
इसी तरह से थर्ड पार्ट है वो आप ट्राई करके देख लेना। ए बी सी और डी चार आपको पॉइंट्स दे रखे, और ये बोल रखा है द वर्टिसेस ऑफ ए पैरलोग्राम, एक पैरलोग्राम के वर्टिसेस हैं। सबसे पहले हम इसके डिस्टेंस फॉर्म में से डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी 6, बी सी की निकालेंगे √43, सी डी की हमारे पास 6 आएगी और ए डी की हमारे पास √43। अब देखो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, बी सी है वो डी ए के। अगर हमारे पास ये इस टाइप का हमारे पास पैरलोग्राम है ए बी सी डी, तो क्या आया ए बी है वो किसके इक्वल आया, सी डी के। तो ये साइड इसके इक्वल आ गई और ये साइड इसके, और अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो क्या हो गया कि पैरलोग्राम। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर नॉट इक्वल, देन ए बी सी डी इज ए पैरलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स पी विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1। ये बोल रखा है एक पॉइंट पी दे रखा है और वो क्या है, विच आर इक्विडिस्टेंट, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। अब इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है तो क्या कर देंगे, पी ए और पी बी दोनों की डिस्टेंस इक्वल आएगी। तो क्या करेंगे, ए हमारे पास दे रखा 1, 2, 3, बी हमारे पास है 3, 2, -1, और पी ए इज इक्वल टू पी बी लेंगे क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की। तो क्या आएगा, पी हमारे पास हमने पॉइंट मान लिया एक्स वाई जेड, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए निकालेंगे, पी हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट एक्स वाई और जेड। तो पी ए निकालेंगे क्या आएगा, एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस वाई माइनस टू का स्केयर प्लस जेड माइनस थ्री का स्केयर। पी बी निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री का स्केयर प्लस वाई माइनस टू का स्केयर प्लस जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड प्लस वन का स्केयर। इक्विडिस्टेंस है तो क्या लिख देंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी रखेंगे। अब पी ए पी बी के इक्वल है तो दोनों की जो वैल्यू आई वो रखेंगे, इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, दोनों के स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसल। एक्स माइनस वन का स्केयर क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स, प्लस इसका करेंगे वाई स्केयर, टू का स्केयर प्लस फोर और माइनस टू टू जाए फोर वाई, प्लस जेड स्केयर थ्री का स्केयर नाइन और थ्री टू जाए माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर थ्री का स्केयर नाइन आ जाएगा और थ्री टू जाए माइनस सिक्स एक्स, वाई स्केयर प्लस फोर माइनस फोर वाई और जेड स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस वन प्लस टू जेड आ जाएगा। अब देखो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्केयर कैंसिल, वाई स्केयर और जेड स्केयर से जेड स्केयर। अब प्लस का फोर है इधर, इधर भी हमारे पास प्लस का फोर है कैंसिल हो गया, इधर प्लस का नाइन है, इधर अभी प्लस का नाइन है कैंसिल हो गया, इधर बचेगा माइनस टू एक्स और क्या बचेगा माइनस सिक्स जेड और प्लस वन इज इक्वल टू, इधर आएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस टू जेड प्लस वन आएगा, वन से वन कैंसल, माइनस टू एक्स माइनस सिक्स जेड, इधर से इनको लेके आए प्लस सिक्स एक्स प्लस माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। अब सिक्स में से टू जाएगा तो फोर एक्स आ जाएगा, फोर एक्स माइनस सिक्स जेड और टू जेड दोनों नेगेटिव हैं तो क्या आ जाएगा माइनस एट जेड इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से फोर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू जेड, फोर को उधर लेके आए जीरो के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है सेट ऑफ पॉइंट्स पी द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। अगर पी जो पॉइंट है उससे ए और बी की डिस्टेंस है वो 10 के इक्वल है तो हमें सेट निकालना है पी। देखो ए हमारे पास क्या है 400, बी हमारे पास क्या -400 और पी हमने मान लिया एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास आ गया। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10 है कि दोनों का सम, दोनों की जो डिस्टेंस है पी से ए और पी से बी की जो डिस्टेंस है उन दोनों की डिस्टेंस का सम 10 है। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10, पी ए इज इक्वल टू 10 माइनस पी बी, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। पी ए हमारे पास क्या है, पी ए हमारे पास है एक्स माइनस फोर का स्केयर, क्योंकि इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस फोर का स्केयर प्लस वाई माइनस जीरो वाई स्केयर हो जाएगा प्लस जेड माइनस जीरो जेड स्केयर इज इक्वल टू 10 है। ये अगर हम इसका स्केयर करेंगे तो स्केयरिंग बोथ साइड करते ही हमारे पास क्या आएगा, पी ए का स्केयर इज इक्वल टू 10 माइनस पी बी का होल स्केयर आ जाएगा, और इसका स्केयर कर दिया तो ये तो एज इट इज स्केयर से रूट कैंसिल हो गया। इसका करेंगे तो 10 का स्केयर 100 प्लस है, इसका स्केयर करेंगे तो पी बी का जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस फोर स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस टू ए बी, टू 10 जा 20 माइनस 20 और ए हमारे पास क्या था ये हो गया, बी हमारे पास क्या पी बी की वैल्यू ये थी आपके पास एज इट इज रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्केयर प्लस
फोर का स्क्वायर 16 आ जाएगा और माइनस 8x, इधर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया जेड स्क्वायर से, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और माइनस 20 एज इट इज, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, अब क्या आया माइनस 8x प्लस 8x, इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा 16x, इसको लेके आएंगे माइनस 100 इज इक्वल टू क्या आया माइनस 20x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्केल, 4 से कैंसिल कर दें, इधर से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 पर, और 4 4 जाए 16, 4 से कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखो ये आया 4x प्लस 25 इधर है, इस रूट को अगर हमें खत्म करना है तो स्केयरिंग करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया स्केयरिंग अगेन, x 4x प्लस 25 का स्केयर इज इक्वल टू, इस पूरे का स्केयर कर देंगे तो 5 का स्केयर 25 और इसके स्केयर से रूट एक कैंसिल हो गया, x प्लस 4 स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, इसको ओपन करेंगे 4x का क्या आ जाएगा 16x स्केयर प्लस 25 का 625 प्लस 45 जो 100 100 2 जा 200 x इज इक्वल टू 25 बार है, इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 8x और प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ओपन कर दिया 16x स्क्वेयर प्लस 625 प्लस 200x, इसको अंदर लेके गए 25x स्क्वेयर प्लस 25 और 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 400 आएगी 25 की और 8 की मल्टीप्लाई 200x 25y स्क्वेयर प्लस 25z स्क्वेयर, 200x से 200x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आया 16x स्क्वेयर, इधर क्या 25x स्क्वेयर, इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वेयर, इधर और हमारे पास कितना है 25y स्क्वेयर प्लस 25z स्क्वेयर, और ये क्या 400 को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा 625 माइनस 400 ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 225, ये था हमारे पास इसकी इक्वेशन, एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। ओके थैंक यू।